वेलकम बैक टू एरियल न्यूज चैनल। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। कहानी नहीं है, वो एक सच है। गुजारिश है वीडियो से एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार एक कोर्ट के अंदर भारत का वकील 46 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए केस लड़ रहे थे। केस के चलते, बहस के चलते किसी एक कर्मचारी ने उसको आकर के एक चिट्ठी दी। चिट्ठी को पकड़ा, उसने चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी को पढ़ के उसने और बाजू में रख दिया, पास में रख दिया, और उसने अपनी बहस जारी रखी और बातें करते रहे और उस केस को लड़ते रहे। यहाँ तक कि आखिर में वो उस केस को जीत गए और जो 46 स्वतंत्र सेनानी थे वो निरपराध साबित हुए और निर्दोष साबित हुए। उन्हें वाइस जज वरी किया गया। उसके बाद में उस जज ने पूछा कि आपको जो चिट्ठी दी गई थी उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ था। तो उस वकील ने कहा उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी के निधन का समाचार लिखा हुआ था। तो जज ने बड़ा आश्चर्य से कहा कि अगर आपकी पत्नी का निधन हो गया है तो आप गए क्यों नहीं, आप जा सकते थे। तो उस वकील ने कहा कि अगर मैं मेरी पत्नी के पास जाता तो वो तो मर चुके, वो मेरे जाने से वापस तो आते नहीं, लेकिन अगर मैं चला जाता तो ये जो 46 स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि बेकसूर हैं इनको फांसी की सजा सुना दी जाती। वो जो वकील है उसके बारे में आप जानना नहीं चाहोगे। वो वकील थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, भारत के लौह पुरुष। ये खबर बहुत ही कम लोगों को पता है और ऐसी खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।